सावन का पहला सोमवार यानी भगवान शिव का सबसे पवित्र महीना और पवित्र सोमवार, इस दिन को लेकर भक्तों में अपार खुशी श्रद्धा भावना देखने को मिल रही है। यही कारण है कि मोहाली शहर के विभिन्न मंदिरों में, जिसमें फेसक स्थित शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर से 6 दुर्गा मंदिर, फिज 3 बिट्टू श्री वैष्णो माता मंदिर, फिज 11 श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और तमाम उन मंदिरों में जहाँ पर भगवान शिव के शिवालय है, वहाँ पर भक्तों लाइने देखने को मिल रही है और भक्त पूरी श्रद्धा भावना के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह मंदिरों में भगवान शिव जी को जलाभिषेक किया जा रहा है। जय जय भोले के जयकारे लग रहे हैं। मंदिर में पुजारी भी पूरी श्रद्धा भावना के साथ मंदिरों में आने वाले भक्तों की पूजा अर्चना करवा रहे हैं। इस दौरान अधिकांश भक्तों का यही कहना है कि भगवान शिव जो कि सावन का महीना है, बहुत पवित्र महीना माना जाता है और इसमें खास करके सोमवार का जो दिन है वे भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए भारत आज सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और मंदिर में पुजारी भी पूजा अर्चना करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं फिर मीडिया से न्यूज चैनल के जरिए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मोहाली के उन मंदिरों की तस्वीरें हैं जो सावन के पहले सोमवार के दिन की। वह तस्वीरें जब भक्त कोरोना काल के बाद और ऐसी विकट घड़ी में भक्त जो है मंदिर में पहुंचे हैं। हालांकि यहां पर सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा जा रहा है। कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मास्क भी पहना हुआ है और बीमारी से बचाव के नियमों का पालन किया जा रहा है। जो तस्वीरें सब आपके मीडिया यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आ रहे हैं, कैसा जोश नजर आ रहा है। कोरोना का टाइम के हिसाब से देखे तो आज तो मतलब की 2 साल पिछले कोरोना में ऐसे ही निकले हैं कि मंदिर में बहुत कम रश देखने को मिलता था, तो अभी कोरोना इतना नहीं है तो इसलिए हमारे को कुछ खास देखने को मिला। आज पब्लिक भी थोड़ी ज्यादा जोश है, जोश पूरा भर आज है, काफी मतलब कि महिमा जी पहले से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जैसे पहले होता था वैसा नहीं है, लेकिन वैसे से बहुत 70% सही हो गया जी। तो सावन का की अगर महिमा की बात की जाए, भगवान शिव का जो दिन चल रहा है, कहते हैं बहुत पवित्र दिन है जी। जो भगवान शिव जी हैं वो श्रावण मास में जो है व्रत करते हैं, जो लोग श्रावण मास का, उनको 1 साल का फल 1 महीने में मिलता है। श्रावण मास का जो महत्व है, वो जो 1 साल का जो फल होता है, जो हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं वो सावन के 4 सोमवार। क्या तैयारियां क्या रही है सर, कैसी सावधानियां बरती जा रही है? हम प्रबंधक कमेटी होने के नाते हमने ये फैसला किया था कि जैसे ही सोमवार शुरू होंगे उससे पहले सारे हाल को, सारे मंदिरों को, सारी जगह को, जो कैंपस है हमारा उसको सैनिटाइज कराया जाए। उसको हमने सैनिटाइज कराया और जो हमारे पंडित है या मंदिर कमेटी में जो कार्य कर रहे हैं हमारे वॉलंटियर, उनको भी ये निर्देश दिए गए कि भी वो डिस्टेंस मेन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मंदिर में रश क्योंकि पहले से, क्योंकि ये पहला मंदिर बनने के बाद ये पहला सोमवार है सावन का जहाँ इतना रश आज हमने देखा। इससे पहले मैंने कभी इतना रश नहीं देखा और मैं सारा बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सावन भोलेनाथ के मेरे इष्ट देवता हैं, मेरे सतगुरु भी इन्हीं को मानते हैं, तो हम इनकी आराधना करते हैं सच्ची श्रद्धा और भक्ति से। दूध और फल फूल चढ़ाने आए हैं। किस तरह की मनोकामनाएं अगर पूर्ण होती है, अगर बात की जाए? मनोकामनाएं मेरी हर तरह की पूर्ण हुई हैं। मैंने जो चाहा जिंदगी में मनोकामनाएं, मेरे पति कमिश्नर बन गए, मेरा बेटा अफसर बन गया और मेरे को जो भी मैं सोचती हूँ भोलेनाथ की कृपा से सब पूरा होता है। मैम कहीं ना कहीं कोरोना की बीमारी का असर, तीसरी लहर का भी बात किया जा रहा है, क्या भगवान शिव से आज इस पर भी कुछ बातचीत होगी भक्तों? ऑफ कोर्स मैं तो सदा जब भी शिव की पूजा करती हूँ तो अपने पूरे संसार के कल्याण के लिए और ये रोग बीमारियाँ कोरोना वगैरह सब दूर हों, सारे लोगों का कल्याण हो, सर्व मंगल के लिए कामना करती हूँ। सोमवार सबको पता है शिव जी के वार होता है और जो सावन का वार है उसमें जो सोमवार है वो बहुत बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि शिव भोलेनाथ जो है वो सबकी तमन्नाएं पूरी करते हैं, वो भोलेनाथ हैं और हर एक की सुन के हर एक की तमन्ना को पूरा करते हैं। सो यहाँ पे शिवलिंग पे जल फल बेल पत्र वगैरह सब चढ़ाया जाता है, बहुत श्रद्धा भाव से चढ़ाया जाता है कि साल में एक बार आने वाला ये सोमवार, जो सावन का सोमवार होते हैं 4 सोमवार, वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। महिमा की बात की जाए तो काफी गर्मी के बाद आज मौसम भी काफी सुहाना है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या जी बिल्कुल, आप ये कहिए शिव जी की अपार कृपा है, क्योंकि एक सावन कहने का मतलब यही है कि शिव जी की अपनी कृपा
वो अपना जो सावन है वो शिव जी पे ही सारा का सारा रोल पे रहता है कि जिस प्रकार शिव जी प्रसन्न होते हैं सावन में, और सावन का कहना ही मानना ही यही है कि जैसे सावन का आना, मॉनसून का आना सावन में ही माना जाता है। नाम सर विनोद कुमार पुष्पाकर है। हम यहाँ से सर 2013 में आए थे और हमको लगभग 10 साल हो गया, 10-11 साल। तो क्या लगता है भगवान शिव की कृपा कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी बनी हुई है? अगर यस सर, भगवान शिव की कृपा सर हमारे ऊपर बनी है और मैं सोचता हूँ कि अपने देश में जितने भगत हैं सबके ऊपर बनी रहे। और मेरे हिसाब से सर जैसे कोरोना वायरस की वजह से लोग उतना ही आ रहे हैं, लोगों में भक्तों में कोई कमी नहीं है, लोग भक्त आ रहे हैं अपना कोरोना वायरस को कम करने में, भावना में कोई कमी नहीं है, नहीं जी कमी दिखाई, बीमारी कमजोर पड़ रही है लेकिन भक्त जोश की कमी नहीं, जोश की कमी नहीं है जी, भक्त पूरे आ रहे हैं, भक्तों के अंदर कोई कमी नहीं है। कोरोना वायरस भले हुआ है लेकिन भक्त सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा से सारे आ रहे हैं। हाँ जी सर, सावन का पहला सोमवार, बिल्कुल सर, सर बहुत अच्छा, मेरे तो इष्ट देव हैं तो इनकी पूजा हमेशा करनी चाहिए हम लोगों को। अगर इस दिन की बात की जाए तो क्या है इस दिन की खासियत, क्यों बहुत ही ज़्यादा मतलब शिवजी की पूजा करते हैं, कुछ किस तरह का फल मिलता है? भगवान की आराधना करने से जो कष्ट है वो दूर होते हैं। भगवान शिव जी हमारे कहने हैं कि मैंने शिव महापुराण में पढ़ा है कि मन सच्ची भावना के नाल मन जल भी ना चढ़ावे, मन एक फूल भी चढ़ा दे, मैं उसमें भी मैं संतुष्टि करता हूँ, मैं उस भक्त को भी मैं हाथ पूरा ऊपर रखता हूँ। ऐसा कोरोना को इतना डर नहीं है, मैंने पहले तो मैं भी लाता था मास्क, अब मैं लोकल में मास्क नहीं लाता, तो इस करके नहीं लाता कि अभी जो मास्क से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जो सर रुकता है इसमें गर्मी उम्र भी बहुत होती है, तो दूसरा इधर इसमें थोड़ा डर तो है लेकिन ध्यान रखते हैं, गैदरिंग जहाँ होती है वहाँ जाते नहीं हैं। तो दूसरा मैं एफ एम में ही जॉब करता हूँ, रात को मेरी ड्यूटी होती है रेडियो स्टेशन में, एफ एम में रेडियो मेरा प्रमोद कुमार मिश्रा जी। आज सावन का पहला सोमवार है, मंदिर में भक्त बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मंदिर कमेटी से आप लोग संबंध रखते हो, किस तरह के मतलब अरेंजमेंट किस तरह का कोरोना काल में चल रहा है? कोरोना काल में तो एक सैनिटाइज करवाया मंदिर को और गेट पे सैनिटाइजर रखा हुआ है, जो भी श्रद्धालु आता है सैनिटाइज करके तो उसको एंट्री मतलब करवाते हैं, तो मास्क का हम कोशिश करते हैं भी मास्क का पहन कर जाए, तो तकरीबन फॉलो कर रहे हैं काफी श्रद्धालु। सर श्रद्धा भावना में कहीं कोरोना में कोई कुछ भक्तों के अंदर जोश में कहीं कमी नजर आ रही है? जोश पूरा है, अब तो जोश पूरा है, कुछ बारिश हो गई है उसके साथ और भी जोश, सावन का सोने पे सुहागा हो गया। हाँ गुलेरिया जी, आप जनरल सेक्रेटरी हो, किस आपका मंदिर का नाम क्या है और थोड़ा सा सर अरेंजमेंट बताएंगे भक्तों को कोई दिक्कत ना आए, किस तरह का अरेंजमेंट किया गया मंदिर में? मंदिर का नाम हमारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर फेस 11 है, और अभी जिस सावन के चलते हुए हमने जो अरेंजमेंट किए हैं, जैसे सैनिटाइज का प्रबंध किया है, हमारी सावन कथा शुरू की है 25 तारीख से, तो उसमें भी हमने लेडीज को स्पेशल बोला है कि भाई डिस्टेंस जो उसका मेंटेन करके रखना, सोशल डिस्टेंस, क्योंकि अभी तक जो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, तो इसलिए हमने पूरे प्रबंध किए हुए हैं, और जैसे कथा ख़त्म हो जाती है तो हम हॉल को जो है सैनिटाइज कर देते हैं, उसको दूसरे दिन जिस टाइम जो कथा शुरू होती है तो हम पहले सैनिटाइजर करते हैं, उसके बाद कथा शुरू होती है। सर घंटियां वगैरह क्या बजाने की, जैसे कि कोरोना टाइम में नहीं मौका मिला था, क्या इस बार घंटियां वगैरह बजाने का? अभी तक हमने घंटियां लगाई नहीं है क्योंकि अभी कोई पता नहीं है कब कोरोना क्या स्थिति लेता है क्या नहीं है। अभी ये 26 तारीख वाली जो नोटिफिकेशन आई है उसके आधार पे हमने खोला तो है, पर कुछ पाबंदियों के साथ हमने मंदिर को खोला है। भगवान शिव का दिन चल रहा है, बहुत बढ़िया दिन चल रहा है, इसमें भक्त जो जलाभिषेक के लिए लोटा वगैरह कुछ लेकर आते हैं, तो अक्सर क्या होता था मंदिर में मिलते थे, तो क्या इस बार कहते हैं भक्तों को ही लाने के लिए कहा गया कि मंदिर में? वो भक्तों को ही बोला है हमने कि अपना घर से लोटा लेके आए, कभी अगर किसी के पास नहीं होता है तो हमने कुछ 10-15 लोटे रखे हुए हैं, तो उनको दिए हैं कि इनको जल प्रवाहित करके फिर उनको अलग रख देते हैं।